कंप्यूटर क्रांति के इस दौर ने पूरी दुनिया में जिस एक चीज को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वो है टाइपराइटर। कभी हर कार्यालय और हर घर का एक अभिन्न हिस्सा माने जाने वाला टाइपराइटर धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में समाता जा रहा है, लेकिन अभी भी अधिकांश न्यायिक कार्य टाइपराइटर का उपयोग किए जाते हैं। आपको बता दें, शुरुआती जमाने में लोग पेपर के आविष्कार के बाद जरूरी चीजों को लिखने के लिए पेपर और कलम का इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी और लिखने की जरूरत पड़ने लगी तो लोगों ने महसूस किया कि हाथ से लिखने में बहुत सारा वक्त लगता है और अगर तेजी के साथ लिखें तो समझने में मुश्किल होती है। दूसरी तरफ टेलीग्राफ का इस्तेमाल भी धीरे धीरे बढ़ रहा था और लोग मोर्स कोड के मैसेजेस को भी पेपर पर लिखना शुरू कर चुके थे। अब लोगों के दिमाग में आइडिया आया कि एक ऐसा टाइपिंग मशीन बनाना चाहिए जिसके जरिए पेपर पर लिखना आसान हो जाए, जिसके बाद 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक अलग अलग वैज्ञानिक और आविष्कारकों ने मिलकर टाइपराइटर को बनाने की कोशिश की। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कोशिश की कि एक ऐसा टाइपराइटर बनना चाहिए जिसकी मदद से अंधे लोगों को भी लिखने में मदद मिले। कुछ वैज्ञानिक आधा अधूरा काम करने में कामयाब तो हो गए, लेकिन उनके द्वारा बनाया गया ये सब टाइपराइटर पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हुआ, हालांकि दूसरे वैज्ञानिकों के लिए मददगार जरूर साबित हो गया। ये मशीन इतनी स्लो होती थी कि हाथ से लिखने वाले भी इससे तेज लिख लेते थे। 19वीं सदी में यूरोप और अमेरिका में कई लोगों ने टाइपराइटर को बनाया पर पेटेंट भी लिया, लेकिन कभी इन्हें कमर्शियल तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब उस समय ना ही इसको किसी ने खरीदा और ना ही ये तेज लिखने में मदद करता था। फिर तकरीबन साल 1865 में रास्मस मल्लिंग हेंसे नाम के डेनमार्क के आविष्कारक ने हेंसे राइटिंग बॉल नाम के टाइपराइटर का आविष्कार किया था। ये टाइपराइटर सबसे पहला कमर्शियल टाइपराइटर था। इस टाइपराइटर को यूरोप में लोग खरीद कर इस्तेमाल करने लगे थे। सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल ऑफिसर्स में होता था। ये टाइपराइटर एक बॉल के शेप में होता है। सबसे ऊपर के हिस्से में बटन्स और नीचे के हिस्से में पेपर होता था। इस टाइपराइटर में सिर्फ अपर केस लेटर्स ही लिख सकते थे। इसमें लोअर केस लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी नहीं होते थे। फिर साल 1868 में क्रिस्टोफर लाथम शोल्स, फ्रैंक हेवन हॉल, शुमेल शॉल और कार्लोस ग्लिडेंडे नाम के आविष्कारकों ने मिलकर एक ऐसे टाइपराइटर को बनाया था जो लोगों को बहुत पसंद आया था और ज्यादा इस्तेमाल में भी आ रहा था। इस टाइपराइटर में QWERTY कीबोर्ड था जो आज के कीबोर्ड्स में भी इस्तेमाल होता है। इस QWERTY कीबोर्ड को अलग तरह से बनाया गया था। इसमें ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली कीज को एक तरफ और कम इस्तेमाल में आने वाली कीज को एक तरफ कर दिया गया था। ये सारे टाइपराइटर मैकेनिकल थे, इसलिए कभी कभी टाइप करने में बटन्स फंस जाते थे। QWERTY कीबोर्ड के बाद टाइपिंग करना आसान हो गया था। इस टाइपराइटर के नाम में ही टाइपराइटर होने की वजह से लोग टाइप करने वाले डिवाइस को टाइपराइटर के नाम से बुलाना शुरू कर देते थे। ये टाइपराइटर काफी अच्छा था, लेकिन टाइप करते समय अप स्ट्राइक मैकेनिज्म की वजह से टाइप करने वाले इंसान को क्या टाइप हो रहा वो नहीं दिखता था। फिर 19वीं सदी में टाइपराइटर में सुधार किए गए। अप स्ट्राइक की जगह फ्रंट स्ट्राइकिंग मेथड का इस्तेमाल किया गया। फ्रंट स्ट्राइकिंग तकनीक से क्या टाइप हो रहा है टाइप करने वाला इंसान चेक कर सकता था। शिफ्ट की को कीबोर्ड में शामिल करना भी सबसे बड़ा बदलाव था। लोअर केस और अपर केस लेटर्स को शिफ्ट के जरिए बदलना आसान हो गया था। शुरू के टाइपराइटर में कलर चेंज करने वाला ऑप्शन हुआ करता था। ज्यादा से ज्यादा 3 कलर चेंज करने का ऑप्शन होता था। वक्त के साथ इलेक्ट्रिक टाइपराइटर बनना शुरू हुए और आज तो हम सब जानते हैं, जैसे जैसे कंप्यूटर्स हमारी जिंदगी में आना शुरू हुए तो टाइपराइटर हमारी जिंदगी से दूर होते चले गए।